हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि जालिया। आज मैं आप लोगों के लिए लुकिंग अराउंड बुक क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक लेकर आई हूँ। उसका लेसन नंबर 11 का फ्रॉम हियर टू देयर एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 70। ओके, पेज नंबर 70 आप लोग अपने बुक में निकालिए। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशंस। बच्चों चलो हम कुछ बच्चों से मुलाकात करते हैं और हम उनसे पूछेंगे कि वे लोग अपना छुट्टियां कैसे बिता रहे हैं। एक हमको मिल गई है बच्ची, उससे पूछेंगे अभी। I went to my uncle who lives in Delhi. ये लड़की बोल रही है कि मैं अपने अंकल के घर गई थी जो कि दिल्ली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. पहले हम बस से जाते थे, रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद उनके घर तक बस से जाते थे। लेकिन but This time it was great fun. इस बार तो बहुत मजा आया। We went by the what is this? बच्चों आपको क्या लग रहा है ये क्या होगा? मेट्रो ट्रेन। ओके, मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती है? अंडरग्राउंड टनल में चलती है। हाँ, और उसके ऊपर रास्ता बना रहता है, गाड़ियां चलती रहती है। ठीक है, तो ये बच्ची जो है दिल्ली अपने अंकल के घर गई थी। वह पहले रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद बस से अंकल के घर तक जाती थी, लेकिन इस बार उसे बहुत मजा आया क्योंकि वह मेट्रो ट्रेन से अपने अंकल के घर पहुंची, विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, जो कि जो रोड है मीन्स उसके नीचे बना रहता है। अब लोगों में से कोई कोई तो चढ़ा ही होगा मेट्रो ट्रेन में, और वो बहुत ही फास्ट में चलती है तो जल्दी पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक भी नहीं होती है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो कार्स वे रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। उस टनल में जब मेट्रो ट्रेन चलती हुई जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर रास्ते में कार्स और व्हीकल्स चल रहे होंगे, अदर ट्रांसपोर्ट्स भी चल रहे होंगे। तो ठीक है, मीन्स जब जैसे समय बीतता जाता है उसी तरह से हम लोगों का साधन भी अलग अलग होते जाते हैं। ओके, उसके बाद जाके हम इस लड़के से मिले, उसने क्या कहा ये सुनते हैं। It was my बुआ's wedding. ये मेरे बुआ की शादी के टाइम था। I met many relatives. मुझे बहुत सारे relatives means सगे संबंधी मिले। We had a good time eating, drinking and playing. सभी के साथ बहुत मजा आया। हमने एक साथ खाया, पिया और खेले भी। भैया came from America in an किससे आए थे? अमेरिका से एरोप्लेन में आए थे। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। अच्छा, अमेरिका तो बहुत दूर है मगर वो जो है प्लेन में आने के कारण एक ही दिन में पहुंच गए थे। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द पालकी से बुआ अपने ससुराल को गई शादी के बाद। ये पाल आजकल तो गाड़ी से जाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में हर जगह ही ऐसी ही, इसको डोला भी कहा जाता है और पालकी भी कहा जाता है। ये साइड में बैम्बू होता है जिसको कि लोग उठाते हैं इसको, ठीक है, और इसके अंदर दुल्हन बैठी होती है। तो उसी तरह से बुआ की शादी के बाद वो पालकी से गई। ओके, नेक्स्ट हम मिले इससे। आई वेंट टू माय नानीज हाउस इन केरला। मैं केरला में अपने नानी के घर गई। वे शी लिव्स देयर
इज वॉटर एवरीवेयर, जहां वो नानी रहती है ना वहां पानी ही पानी है सब जगह. फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस, स्टेशन से हमने एक बस पकड़ी और अ टैक्सी भी हम पकड़ सकते हैं. ओके, टू रीच हर हाउस, उसके घर तक, नानी के घर तक पहुंचने के लिए. इंस्टीड वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस, लेकिन बस और टैक्सी से जाने से हमें फिर दूर में ही रोक दिया जाएगा और हमें फिर पानी पार कर, ओ बहुत लंबी रास्ता हो जाएगी. तो हमने क्या किया कि बोट ले ली. बोट लेने से हमें सिर्फ रिवर क्रॉस करके ही नानी के घर मिल गए. इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन. हाँ, बहुत अलग था बोट में जाना, लेकिन बहुत ही मजा भी आया. बच्चों, तो हम लोग भी तो जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, कभी प्लेन से, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी शिप से, है ना. इसी तरह से जिस जगह में हम लोग जाते हैं, जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उसी से हम जाते हैं. फिर हम मिले इससे. वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशंस, छुट्टियों में हम शिमला गए. द बस moved on the zigzag roads on high mountains, ऊंचे ऊंचे mountains means पहाड़ एरिया थे और उसमें रोड कैसे होते हैं, zigzag. It was very scary when we looked down. Scary means बच्चों बहुत ही भयानक. जब भी हम नीचे को देखते हैं बिल्कुल खाई सा दिखता है ना, तो बहुत डर लगता है. We had to walk long distances in Shimla. हमें शिमला में हर जगह तो गाड़ी प्रोवाइड नहीं होती थी, बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था. My daddy would get tired very quickly. मेरी दादी भी गई थी मेरे साथ, तो दादी जो है बहुत जल्दी थक जाती थी. We would make her ride on the horse. अच्छा, बूढ़े लोग या फिर जो ज्यादा चल नहीं पाते हैं उन्हें घोड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया है, वहां और गाड़ी नहीं मिल पाती है, नहीं चलती है उन रास्तों में गाड़ी. कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी नहीं चलती है. आई नेवर गॉट टायर्ड, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई. आई एंजॉयड वॉकिंग, और मैं चलता ही गया. सो बच्चों, बहुत मजा आया होगा उसे भी. नेक्स्ट हम फिर इससे मिले. माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस. मेरी खाला जो है, खाला मीन्स मौसी, मेरे घर के बहुत ही पास नजदीक में रहती है. वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाईसाइकिल. हाँ, तब तो बहुत मजा आता होगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई तो दिल्ली को गया था अपने बुआ की शादी में, लेकिन अगर बिल्कुल पास में हो तो हम लोग साइकिल से भी जा सकते हैं. एंड रश टू हर प्लेस, मैं पहुंच जाती हूँ. माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस. हाँ, मम्मी और छोटू जो है वो लोग इतना साइकिल से भी नहीं जा पाते या फिर चल के भी नहीं जा पाते, तो वो एक रिक्शा लेने से लेकर भी पहुंच जाते हैं. बहुत अच्छी बात है ना. नाउ वी मेट हिम. ओके, लेट्स सी व्हाट ही से. I went to my mamaji's village. मैं अपने मामा के घर गया था. From the railway station, there is no bus going to his village. Railway station पहुंच तो गए, लेकिन वहां से कोई गाड़ी गांव को नहीं जाती थी. So we went in a, what is this बच्चो? Yes, bullock cart. Bullock cart have two wheels, see, big wheels. So we went in a bullock cart. हम लोग bullock cart मिल गए, उसी से चले. We crossed lush green fields, बिल्कुल हरे भरे fields on the way to the village. गांव को जाते हुए रास्ते में हमें बहुत ही खेत दिखे. I love the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. ये जो है बैल, bulls means बैल, हिंदी में बैल होता है ना, तो उसके उनके गले में घंटी होती है, जब बुलक कार चलती है तो टंग टंग बजते हुए जाती है, तो जो उसको बहुत पसंद आए. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है. ओके, वी विल डू दिस. ओके,
Which all vehicles did the children travel in? In pictures में बच्चे कौन कौन से vehicles में चढ़े थे उसी को लिखना है. तो मैं तो नाम तो मैंने बता दिया और आप खुद से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं लिख के बताती हूँ. ओके, इन पिक्चर्स में पहले तो बस बी यू एस बस. बच्चों मेरी हैंडराइटिंग खराब बन रही है लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिएगा. ट्रेन टी आर ए आई एन. ट्रेन और किससे चढ़ गए थे? साइकिल CYCLE साइकिल. देन टैक्सी TAXI टैक्सी. देन हॉर्स बाद में लिखेंगे, रुकिए. बोट BOAT. बच्चों इस पेंसिल से लिखना बहुत मुश्किल है, आप लोग मेरा स्पेलिंग प्लीज सुनिएगा. BOAT बोट. देन कार CAR कार. एरोप्लेन AEROPLANE plane. PLANE plane. Aeroplane. Then और किससे गए थे? हॉर्स HORSE हॉर्स. और है बुलक कार्ट बी. बुलक कार्ट भी कह सकते हो या अदरवाइज साइकिल रिक्शा भी एक दिखाया था उसमें. BULLOCK बुलक कार्ट CART कार्ट CART. ये देखो बच्चों बहुत खराब बन गए मेरे हैंडराइटिंग. स्कार्ट. ओके, मैं फिर से पढ़ के बता रही हूँ. बस ट्रेन साइकिल टैक्सी बोट कार एरोप्लेन हॉर्स बुलक कार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो. ओके, दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है, ये है मार्केट. अगर आपका मार्केट बहुत पास है, ये अलग अलग आंसर सबका आएगा तो मैं ऐसे ही सिर्फ बोल रही हूँ. अगर हम लोग अभी मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं अपने घर से मार्केट तक स्कूटी से जाना पड़ता है हमें, ठीक है. पैदल भी जा सकते हैं. SCOOTY. उसी तरह से फ्रेंड्स के घर, फ्रेंड्स के घर हम ऑटो से जा सकते हैं. नानी के घर टैक्सी से जा सकते हैं. अक्रॉस द सी. यहाँ सी जो है मिसिंग है, अपने बुक में लिखा है अक्रॉस द सी. हम लोग या तो एरोप्लेन से या फिर शिप से जा सकते हैं. अक्रॉस अ रिवर बोट. रिलेटिव्स हाउस. हम लोग आपके रिलेटिव्स कितने दूर है इसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है. फिर स्कूल अगर आप बस से जाते हैं, जिससे भी जाते हैं उसे आप लिखिएगा. ओके, नेक्स्ट, हाउ वुड यू कीप योरसेल्फ सेफ व्हाइल ट्रैवलिंग. ओके, अपने सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप नजदीक नहीं जा रहे हैं साइकिल से मोटरसाइकिल से, देन वी शुड वेयर हेलमेट. ओके, व्हाइल राइडिंग ऑन अ साइकिल ऑल्सो वी शुड टेक केयर एंड वी शुड वेयर
हेलमेट, और अगर बस से जा रहे हैं या फिर कार से जा रहे हैं तो यू शुड पुट दैट बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट इज देयर, इज़न्ट इट? तो उसी तरह से होगी, इसको आप खुद से लिखेंगे. राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज यूज्ड फॉर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं व्हीकल्स के, इसके यूज्ड आपको, यूजर्स आपको लिखने हैं. इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ सम अदर व्हीकल्स. दो खाली जगह दिए हैं, उसमें आपको और कोई दो व्हीकल्स के नाम लिखने हैं और यूज किस लिए होता है ये लिखना है. सो बच्चों, ये पहला पिक्चर जो है हमें दिख रहा है, ये एक क्या है, ठेला है, है ना, कार्ट कह सकते हैं इसको, सी ए आर टी, दिस इज अ कार्ट. ओके, तो इसका यूज आपने देखा होगा, ये वेंडर्स यूज करते हैं. ओके, मूविंग शॉप्स भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इट वेंडर्स. फ्रूट सेलर्स यूज करते हैं, वेंडर्स. ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज पोस्टल सर्विस. दिस व्हीकल इज यूज्ड फॉर पोस्टल सर्विस, पी ओ एस, पोस्ट ऑफिस में जो है पोस्टल सर्विस के लिए ये वाली गाड़ी यूज होती है. सर्विस, एस ई आर सर्विस, वी आई सी. इसमें काम क्या आता है, इसमें मेल्स वगैरह ले जाने के काम आते हैं. ओके, मेल्स और पार्सल्स ले जाने के काम आते हैं, एम ए आई एल, हमारे लेटर्स फिर पार्सल्स, उसी को ये कैरी करती है. ओके, पार्सल्स, पी ए आर सी एल ई एस, पार्सल्स. ओके, नेक्स्ट इज दिस, दिस इज अ साइकिल लाइक रिक्शा साइकिल, बट यू कैन से दिस इज अ रिक्शा साइकिल मेड फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन, और दे कैन यूज टू गो फ्रॉम हियर टू देयर फॉर देयर ओन वर्क. अपने कोई भी काम के लिए ये एक हैंडीकैप साइकिल है. ओके, हैंडीकैप, एच ए एन डी, एच ए एन डी आई सी ए सी ए पी पी ई डी. ओके, हैंडीकैप साइकिल. CYCLE. Okay. This is used to go from here to there for their own need. Next one is tractor. 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 Tractor आपने सपने देखा होगा. TROCTER. Tractor. Tractor is used फॉर फार्मिंग, किसान यूज करते हैं खेती के लिए. फार्मिंग, दिस इज अ डबल डेकर बस, इज़न्ट इट? डबल डेकर, डी ओ यू बी एल ई, डबल D E C K E R, decker, double decker bus hoti hai ye. This is used for traveling. Okay. Next one is ambulance. Ambulance आप लोग जानते हैं कहाँ use होता है, hospital में रहती है ambulance to carry patient. So ambulance spelling. A M B U L A N C E, ambulance. This is used to carry patients. Okay. और यहाँ पे दो खाली जगह दिए हैं जिसमें आपको
दो व्हीकल्स बनाने हैं जो कि आपने देखे होंगे और आप जिसका यूज भी आपको पता होगा। ओके नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ ए व्हील। दिस इज अ व्हील एंड नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन। जॉइन दीज ऑन वन साइड टू द नंबर ऑफ व्हील्स ईच व्हीकल्स हैज एंड ऑन द अदर जॉइन देम टू व्हाट इज यूज्ड टू रन देम। बच्चे ये आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ के समझाती हूँ। इसमें लिखा है कि टू व्हील्स के व्हीकल कौन कौन, टू व्हील्स के व्हीकल्स कौन कौन से हैं? बुलक कार्ट। बुलक कार्ट को पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि इसमें दो ही व्हील्स होते हैं। ओके देन कार्ट, कार्ट जो है ठेला, उसमें भी दो ही व्हील्स होते हैं। देन स्कूटर, स्कूटर में भी दो ही व्हील्स होते हैं। देन कार, मेट्रो रेल, ट्रेन, बोट, ट्रक, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल में भी दो ही पहिए होते हैं और मोटरसाइकिल में दो पहिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि इसको चलाने के लिए क्या जरूरत होती है। रन ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस? नहीं। रन बाय इलेक्ट्रिसिटी? नो। ड्रिवन बाय एनिमल्स? या बुलक कार्ट कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल्स, इजंट इट? ओके। ड्रिवन बाय ह्यूमन। और मोटरसाइकिल तो तेल जरूरत होती है इसको, दिस नीड पेट्रोल। ओके, दिस नीड पेट्रोल। ओके, दिस नीड पेट्रोल। ओके, इस तरह से आप लोग कॉपी में लिखिएगा। थ्री व्हील्स, थ्री व्हील्स में कौन कौन से आते हैं? रिक्शा आती है। ओके, देन थ्री व्हील्स का नहीं है, सिर्फ रिक्शा ही आ रहा है। तो रिक्शों के, रिक्शा चलाने के लिए कौन होता है? ड्रिवन बाय ह्यूमन। ओके, आप एक नंबर वन लिखिएगा, थ्री व्हील्स, व्हील्स लिखिएगा, साइड में जगह रखिएगा ड्रिवन बाय। ओके, उसके बाद उस कॉलम को मैच कीजिएगा। देन फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में आता है कार, कार एंड कार इज फोर व्हीलर। यस, फोर व्हीलर्स इज ऑल्सो रन बाय पेट्रोल। मोर देन फोर व्हील्स, मोर देन फोर व्हील्स बस के होते हैं, ट्रक के होते हैं, ट्रेन के होते हैं, मेट्रो रेल के होते हैं। मोर देन फोर व्हील्स एंड ये सब पेट्रोल से, डीजल से या फिर गैस से चलते हैं। कुछ ट्रेन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो क्या, उनको ट्राम भी कहा जाता है। आप लोग इसको कॉलम बना के कॉपी में लिखिएगा। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 years अगो, वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। आप अपने से, बड़ों से बात कीजिए और पूछिए कि लोग पहले, 50 साल पहले, मीन्स आपके पापा से भी बड़े किसी को पूछना पड़ेगा अगर 50 साल पहले की बात पूछ रहे हैं, आपके दादाजी होंगे तो या फिर परदादा जी से। वे आर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो, क्या 50 साल पहले भी आज जैसे ही गाड़ियां थी? कैन यू इमेजिन विच व्हीकल्स पीपल विल यूज फॉर ट्रेवल 20 years फ्रॉम नाउ। और 20 साल पहले के तो आपके पापा भी बता सकते हैं कि कैसे गाड़ी यूज करते थे। पूछ के सबका आप लोगों का आंसर वेरी करेगा, अलग अलग होगा, यहाँ लिखिएगा। ओके, आप अपने से पूछिए, आपने क्या, आपका भी 8 9 8 साल 9 साल तो हो गए, आप लोगों ने कैसे कैसे गाड़ी देखी है। आपके दोस्तों से पूछिए, आपके चाचा से, आपके टीचर से भी पूछ के लिखिएगा। ठीक है, योर ओन ट्रेन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस। आज से ही आप लोग एम्प्टी मैच बॉक्स इकट्ठा करने स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद ऐसे रेलगाड़ी बनाइए। इसको आप पहिए को, है ना, बॉटल का ढक्कन को थोड़ा सा कलेक्ट करके रखने से आराम से मैच स्टिक लगा के उसका बना सकते हैं। तो आप लोग बनाइएगा इसको।
Next, if anybody makes a chuk chuk sound, you know at once that it is being made for a train. From the sounds given below, can you tell which vehicle it is? One example is given. अगर हमें चुक चुक साउंड आती है तो हमें लगता है कि हाँ ट्रेन ही चल रही होगी. पी पी साउंड आने से बस या कार. पॉम पॉम यस ट्रक बस. टप 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 जो है वो टांगा का आता है टांगा. घर घर मोटरसाइकिल या स्कूटर की आती है. ट्रिंग ट्रिंग वो तो बाइसाइकिल की ही आती है. Next question. These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles? अगर बहुत सारे साइकिल टांगा कार बस मोटरसाइकिल और ट्रेन एक साथ साउंड कर रही हो. हमें कभी कभी ऐसा जगह सिटी में मिल जाता है जहां सब सारे नॉइज एक साथ हो तो कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल नॉइज पॉल्यूशन लगता है ना. नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है एंड वी फील अनकंफर्टेबल. ओके वी feel uncomfortable with this much noise. Where have you heard the maximum noise? आपने कहाँ सबसे ज्यादा noise कभी भी सुनी होगी? आप खुद से ये सारे answers लिखिएगा. ठीक है वैसे तो market में कहा जाता है कि मछली market में है ना fish market में. Okay. Do you like so much noise? Why? क्या आपको noise पसंद है? Why? No, we don't like noise, isn't it? Because noise can make our ears not working properly. There एक picture दी गई है. उस picture में नीचे एक question दी गई है कि आपको इस picture में क्या दिख रहा है. What all can you see in the picture? Okay. In the picture is showing a building on fire, a fire engine with ladder and hose pipe. Picture में हमें एक आग लगी हुई building दिख रही है और एक fire engine दिखा है जिसमें एक सीढ़ी लगी हुई है ladder में सीढ़ी एक hose pipe है जिससे कि पानी निकलने के लिए okay पानी डालने के लिए present to put out the fire. और कौन कौन दिख रहे हैं? The firemen are trying to put out the fire using large water pipes. उसी को hose pipe कहा जाता है. A fireman on the ladder is trying to take out people from the building. Fireman जो है वे ladder लगा के लोगों को आग लगी हुई बिल्डिंग से निकाल रहे हैं. Police is also present for the security of the people as we can see a police van. एक पुलिस वैन भी दिख रही है पिक्चर में तो वे लोगों के सिक्योरिटी के लिए है कहीं भगदड़ ना मच जाए इसलिए है. An ambulance is standing to take the injured people to the nearest hospital. जो पहला injured people जो है ambulance का काम होता है कि nearest hospital में लेके जाते हैं. It also provides first aid to the injured patients. जो जिसको भी थोड़ा कम चोट पहुंची हो उनको फर्स्ट एड भी एम्बुलेंस द्वारा ही प्रोवाइड होता है. व्हाट आर द व्हीकल्स यूजली यूज्ड फॉर? दीज व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर. जो भी व्हीकल्स आपको पिक्चर में दिख रहे हैं उसको किस में यूज होता है? हमें एक तो दिख रहा था पुलिस वैन. पुलिस वैन इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी to the people. Okay, then fire engine has attached hose pipes and ladder for putting out fire and rescuing people. Then an ambulance takes the sick and injured people to the hospital. It also provides first aid to the injured people. Jitne bhi chot lagi hui log hote hain unhe first aid dene ki kaam bhi एम्बुलेंस ही करती है. मीन्स एम्बुलेंस कैसे करती है? एम्बुलेंस में लोग आते हैं डॉक्टर नर्स और ड्राइवर जो कि वो काम सब करती है. ओके नेक्स्ट पेज में एक है पजल. पेज नंबर 79 में लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप. ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस इन कलर. व्हाट डिड यू गेट? राइट इट्स नेम. इसमें कुछ पजल करके जंबल पिक्चर दिए हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 मेंशन किया गया है. तो जो 1 है उसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है. ओके 1 में ऐसे ऐसे ड्रॉ है.
इसको जिस तरह से वहां पे ड्रॉ किया गया है उसको यहाँ कीजिए। नंबर टू, टू कहाँ है आप लोग खुद इसको सर्च कीजिए, और सेकंड टू लिखा हुआ है इसमें ड्रॉ कीजिए, और आपको दिखेगा कि इसमें एक अच्छा सा एलिफेंट बन जाएगा, फिर उसको कलर कीजिएगा। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। बच्चों मेरा लेसन बहुत ही लंबा बन चुका है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में भी बनाए हैं। इसका पहला पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, घर में रहिए, सेफ रहिए।